हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। यार मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे खुशी में डबल कर दूंगा। भाड़ में जाए ये सरकारी बैंक, केसीसी लोन जॉब करना है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। कल HDFC का बताया था, जाओ जॉब मिल जाएगा। आज बता रहा हूँ ICICI बैंक, और ICICI का मैं बुराई करता हूँ लेकिन KCC लोन में बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई। KCC लोन एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, हाँ वो बैंक को करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कोई टारगेट सब कुछ नहीं है, खाली पैसा लेके आना है किसानों के पास। किसानों को इस पर बहुत राहत मिलती है, किसान इसको बहुत उठाते हैं और ज़िंदगी भर उठाते रहेंगे। प्लस गवर्नमेंट बैंक में SBI में क्या है SBI, पर सब्सक्राइब करो चैनल, उसके बाद बताऊँगा, ठीक है, काम आएगा वीडियो आपके, ठीक है। सरकारी बैंक में क्या है, 5 साल देते हैं, 10 टो कैडा पंक्ति करते हैं, सीधा घुसो HDFC घुसो, ICICI घुसो, और किसी से बात नहीं करने का, सीधा KCC लोन ऑफिसर से बात करने का। ऑफिसर मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं, ऑफिसर बताया तो एग्जीक्यूटिव नहीं, KCC लोन मैनेजर या KCC लोन ऑफिसर नहीं होगा, KCC लोन मैनेजर होगा, ठीक है। उससे केबिन में जाने का, बाहर बोलने का, क्या काम है आपको पूछेंगे बैंक वाले, या दिख जाएगा, ठीक है, बोलने का हमको KCC लोन चाहिए, हमको बहुत ज़रूरत है KCC लोन, हम किसान है बोल देने का उनको, ठीक है। लेकिन रुझी मुझी साथ में लेके जाने का, ठीक है। इसमें आपको 6 मंथ या 1 ईयर का आपको किसी भी कलेक्शन जॉब का रिक्वायरमेंट जरूर, सर्टिफिकेट ज़रूरी है, नहीं है तब बना लो कहीं का भी, समझे कि मैं फलना जगह रिकवरी किया हूँ, कोई आपका दोस्त होगा मोबाइल शॉप में उसका रिकवरी करता था, लेकिन ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, वो ले लो, ठीक है। उसके बिना नहीं होगा, फ्रेशर को नहीं रखेंगे, ठीक है। 6 मंथ 1 ईयर का आपका कलेक्शन में आपको ज़रूरी है, कलेक्शन जॉब में आपका परफॉर्मेंस नहीं, आपका होना, ठीक है, आपको कलेक्शन करना आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है, पैसा भी दे रहा है, 16-17 हज़ार दे रहा है, पर इंसेंटिव मिला के 35 हज़ार कहीं नहीं गया, 30 हज़ार तो कहीं नहीं गया घर, और करना कुछ नहीं है, किसान लोग अपने आप पेमेंट कर देते हैं आपको, खाली जाके जो नहीं दे रहा है, नहीं सब देते किसान लोग, यार किसान लोग गरीब बेचारे क्या करेंगे यार, हैं लिए हैं तो देंगे यार पैसे उन लोग, ठीक है, उनसे पैसा लेके आना है, मगनमारी नहीं करते उन लोग, ठीक है, और भागते भी नहीं है घर छोड़ के, हैं मोबाइल में रखते, सीधा घर जाओ मिल ही जाएगा, घर में या खेत में मिल जाएगा आपको, तो बहुत ईजी जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। इसमें महीना 35 हज़ार कमा लोगे, ग्रोथ इसमें ऐसे आप बाकी बोलोगे बाकी फाइनेंस में ग्रोथ है, इसमें आपको ऐसे कुछ बड़ा पद नहीं देगा, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक में तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे के कुछ दे सकता है, लेकिन प्रमोशन इसमें उतना नहीं है, लेकिन आप एवरग्रीन जॉब कर सकते हो, जब तक आपको जॉब करना है तब तक कर सकते हो, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, सरकारी स्कीम, KCC लोन तो सब कुछ बंद हो जाएगा, KCC लोन बंद नहीं होगा, KCC लोन बंद होगा सरकार बंद हो जाएगी, ठीक है, सरकार को ये देना ही पड़ता है। किसानों का इतना प्रॉब्लम आ गया है कि सरकार को स्कीम निकालना पड़ा है, और ये किसानों के प्रति स्कीम ज़िंदगी भर रहेगी, और किसानों को क्रेडिट लोन ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, 7% भी मिलता है उनको, सबसे सस्ता लोन KCC लोन नहीं है उनका, ठीक है, लाइफ का तो वो लेते रहेंगे, आपका जॉब चलते रहेगा, आप महीना अपना घर बार चलाते रहेंगे, लाइफ में सक्सेस होंगे, पैसा बचा लेना, शेयर में मल्टी ये दिख रहा है ना बैंक, इसमें इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना, SIP में इन्वेस्ट कर देना, इन्वेस्ट किए बिना आप पैसा रखोगे तो आप ज़िंदगी में आपको जॉब ही करना पड़ेगा, मैंने किया क्या लाइफ में ना, 15 साल कमाया और 15 साल में सारे इन्वेस्ट कर दिए, तो आज काम करने की जरूरत नहीं है, मंथली 40 हज़ार आ जाता है ना, यूट्यूब से पेमेंट आने लगा अब तो, है ना, तो रास्ते खुलते जाते हैं, और वे बनाओ, एक ही जॉब के प्रति आप रहो ठीक है, लेकिन पैसे के और वे बनाओ, ठीक है, कम से कम 3 स्रोत होना चाहिए पैसे के, मेरे पास 5 स्रोत हैं, ठीक है, आपके पास एटलीस्ट कम से कम 3 स्रोत होना चाहिए पैसे कमाने के, चाहे वो आप काम करो एक हो गया, आपकी मिसेस काम कर रही है वो 2 हो गया, आपकी कुछ घर किराए रेंट पे है वो 3 हो गया, ऐसे करके बोल रहा हूँ मैं, ज़रूरी है कि आप कुछ धंधा पानी करना चालू कर दो और गलत कामों में लग जाओ, वे बनाओ पैसे का, ठीक है, पैसे का सही यूज़ करो, खर्चा मत करो, पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, बाद में जब नहीं मिलता है तो बहुत परेशानी में आ जाओगे, तड़प जाओगे, और कोई साथ नहीं देता माँ बाप के सिवा, बीवी तो छोड़ के भाग जाएगी आपको, तो होप मेरी बातें समझ दे होंगे, सीरियसली हो जाओ जॉब में है ना, और लाइफ में एज हो चुका है आप लोगों का, आप लोग मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं हमेशा आपको गाइडेंस देते रहता हूँ, मैं भी कभी प्रॉब्लम में रहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंस में देखिए बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रिच नहीं है इस सेगमेंट में, ठीक है, फाइनेंस जॉब में रिच नहीं है ना,
और कोई फाइनेंस देख, इंडिया में लोग फाइनेंस देखना चाहते ही नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो फाइनेंस देखते हैं, और आप लोग फाइनेंस देखते हैं, मतलब बहुत हाई कैटेगरी के लोग हैं आप लोग, ठीक है। फाइनेंस कौन देखता है इंडिया में, देखो किसको, यहाँ पर लोग तो सीधा भाभी का सर्च मारते हैं, है ना, भाभी की सारी शादियाँ बोल के, भाभी के अवैध संबंध बोल के, है ना, ये सब सर्च मारते हैं, बताओ कहाँ ये फाइनेंस देखेंगे, एंटरटेनमेंट सर्च का। तो लाइफ को सीरियसली लो, कहीं भी जॉब मिले अच्छे से करो, रेगुलर करो, कंसल्टेंसीज करो, हार्डवर्क करो, और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, पैसा है तो बिजनेस कर लो, गवर्नमेंट जॉब लगता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कहीं नहीं मिलता तो कपड़े दुकान में काम कर सकते हो, साड़ी दुकान में काम कर सकते हो, 10-15 हज़ार वहाँ से भी मिल जाएंगे। बाकी फिर फाइनेंस और बैंकिंग हमेशा हमारे लिए खुला रहेगा और ग्रोथ होते रहेगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्तों।